झारखंड का इतिहास और संस्कृति आदिवासी समाज की अमूल्य निधि है। शुरू से झार जंगल पहाड़ से भरा पूरा क्षेत्र होने के कारण यह आदिवासियों की प्रिय स्थली बनी रही। असुर, बिरहोर, बिरजिया, खरिया आदि झारखंड की प्राचीनतम जनजातियां हैं। मुंडा, उराव, हो जनजातियां बाद की है। 6वीं सदी ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म का आंदोलन हुआ। झारखंड भी इससे अछूता ना रहा। इन धर्म आंदोलनों का झारखंड में व्यापक असर पड़ा। प्राचीन काल में गुप्त और गौर शासकों को छोड़कर किसी राजवंश ने अधिक समय तक यहां शासन नहीं किया। मध्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन था। सर्वप्रथम मुंडाओं द्वारा झारखंड में राज्य निर्माण की शुरुआत की गई। क्षेत्रीय राजवंशों में छोटा नागपुर खास का नागवंश, लामू का रक्सेल और चेरो वंश, सिंहभूम का सिंह वंश, मानभूम का मानवंश, रामगढ़ राज्य, खरगडिहा राज्य आदि प्रमुख थे। इन सब में छोटा नागपुर खास का नागवंश सबसे लंबे समय तक शासन किया। सल्तनत काल में झारखंड पर छिटपुट बाहरी आक्रमण हुए, किंतु इन सब का कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा और झारखंड की स्वतंत्र सत्ता बनी रही। अकबर के समय मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। तब से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश बिहार उड़ीसा के मुगल सूबेदारों को कर देने लगे। हालांकि यह कर अदायगी बहुत ही अनियमित थी। उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों की झारखंड पर पकड़ कमजोर पड़ गई। इसी काल में झारखंड के लिए नया खतरा मराठों के रूप में आया। यह खतरा बड़ा रूप लेता उससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गए। अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश से जनजातियों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि इन सब ने जनजातियों के बंद जीवन में उथल पुथल मचा दी थी और सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया था। इसी कारण झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ निरंतर जनजातीय विद्रोह होते रहे, जिनमें जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में धाल विद्रोह, तिलका मांझी के नेतृत्व में तिलका आंदोलन, बुद्धू भगत द्वारा कोल विद्रोह, सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह तथा 1899 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया मुंडा उलगुलान प्रमुख थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश के विभिन्न भागों में कांग्रेस द्वारा कई अधिवेशन किए जा रहे थे, जिसमें झारखंड में हुआ एकमात्र अधिवेशन रामगढ़ अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। 1940 में हुआ यह अधिवेशन कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। जब 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, झारखंड बिहार का भाग बना रहा और दक्षिणी बिहार के नाम से जाना गया। झारखंड निर्माण के लिए कई वर्षों तक आंदोलन हुए, जिसकी नींव वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पड़ी थी। झारखंड राज्य निर्माण का आंदोलन देश का सबसे लंबा आंदोलन माना जाता है। इसकी शुरुआत 1912 में हुई, जब
झारखंड आंदोलन के जनक माने जाने वाले जे बार्थोलोमन ने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस आंदोलन का नेतृत्व समय समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया, जिसमें 1950 में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी, 1973 में विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन द्वारा गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1986 में सूर्य सिंह बेसरा द्वारा स्थापित ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आदि प्रमुख थे। इन्हीं आंदोलनों का परिणाम था कि 1995 में संथाल परगना और छोटा नागपुर के कुछ जिलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष शिबू सोरेन बने। अंततः बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित कर 15 नवंबर 2020 को बिहार राज्य के दक्षिणी भाग को अलग कर झारखंड का निर्माण किया गया।